लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून संबंधी 3 विधेयक पेश किए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल शामिल है। यह तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। उन्होंने कहा, जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा एवं उन्हें मजबूती देना था। उन कानूनों में दंड देने का विचार था, न्याय देने का नहीं। अब नए तीनों कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बिल के मुताबिक नए कानूनों के माध्यम से कुल 313 परिवर्तन किए गए हैं। सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण बदलाव किया जाएगा। जिन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा है वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। राजद्रोह की सजा बदली जाएगी। नए बिल में राजद्रोह का नाम हटा दिया जाएगा। कुछ बदलावों के साथ धारा 150 के तहत प्रबंधन बरकरार रखे गए हैं। प्रस्तावित धारा 150 में राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। 2027 से पहले देश की सभी कोर्टों को कंप्यूटराइज किया जाएगा। किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कैसे पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो भावपूर्ण यह काम कर सके। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं को समरी ट्रायल होगा, इससे मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है तो 120 दिनों के अंदर केस चलाने की अनुमति देनी जरूरी होगी। संगठित अपराध में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदलना जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बरी करना आसान नहीं होगा। सबको 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। इसके अलावा 145 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना यह वर्तमान धारा 121 के समान होगा। 146 युद्ध छेड़ने की साजिश या वर्तमान धारा 121 ए के समान होगा। 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना या वर्तमान में धारा 122 के समान होगा। राजद्रोह का कानून खत्म होगा, इसकी जगह अब ये धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। धारा 150 कहती है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। इसी नए कानून के साथ इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी हिटलर शाही बनती जा रही है। ये नए कानून को पेश करके नागरिकों के आजादी को छीना जा रहा है। सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं और मान्यवर जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मान्यवर